हे माय लवलीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 स्कूल हैक्स जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट क्विकली गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो हमारा हैक नंबर 1 है टीथ की ब्रशिंग करना। फ्रेंड्स, हम लोगों को लगता है कि नॉर्मली हम एक बार मॉर्निंग में ब्रश कर लेते हैं और हमारे जो टीथ है वो क्लीन हो जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद भी हमारे टीथ से और हमारे माउथ से स्मेल आती है और बहुत ही बुरा सा लगता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है एंड आपको जो ब्रश की टाइमिंग है ना फ्रेंड्स, 4 to 5 मिनट करनी है। 4 से 5 मिनट तक आपको अच्छे से ब्रश करना है एंड उसके बाद ही अपने माउथ को वॉश करना है एंड आपके जो बैक साइड वाले टीथ है ना वहाँ पर और आपके जो फ्रंट साइड वाले टीथ है ना वहाँ पर आपको अच्छे से क्लीनिंग करनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हमारे माउथ के अंदर जो स्मेल आती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा कीटाणुस होते हैं। रात भर के जमा हुआ कीटाणुस को निकालने के लिए हमें ये प्रोसेस 4 to 5 मिनट करनी चाहिए एंड फ्रेंड्स, उसके बाद में हमें अपने जो डेड स्किन्स वाले जो लिप्स होते हैं ना उसको भी अच्छे से हमें क्लीन करना होता है, क्योंकि हमें स्कूल में जाना होता है तो जो हमारे चैप्ड लिप्स होते हैं ना उससे हमारा इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके लिए आपको इस तरीके से बैक साइड से आपको स्क्रब करना है और आपकी डेड स्किन सेल निकल जाएगी। उसके बाद में आपको अपने माउथ को और अपने फेस को वॉश कर लेना है एंड आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से टीथ क्लीन हो गए हैं और हमारे जो लिप्स है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ लग रहे हैं। हमारा हैक नंबर 2 है लिप्स की मॉइस्चराइजिंग करना। फ्रेंड्स, जब भी आप स्कूल जाए ना तो आपके साथ में एक नॉर्मल लिप बाम जरूर से रख लें, कोई भी आपका फेवरेट लिप बाम रख लेना है एंड फ्रेंड्स, उसके बाद में जब भी आपको लगे कि आपके लिप्स ड्राई हो गए हैं आपको लगा लेना है आपका लिप बाम एंड आपके जो लिप्स हैं बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे एंड फ्रेंड्स, इससे जो है ना लोगों के सामने काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनता है जब आपके जो लिप्स होते हैं ना मॉइस्चराइज रहते हैं। तो इससे आपको चैप्ड लिप्स से, क्रैकिंग लिप्स से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड आपके लिप्स ब्यूटीफुल लगेंगे। हमारा हैक नंबर 3 है फ्रेंड्स, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमें अपने फेस पर क्या अप्लाई करना चाहिए, मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर पाउडर। तो फ्रेंड्स, मॉइस्चराइजिंग क्रीम का अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा ऑयली लगती है इस मानसून सीजन में। इसकी जगह आप लोग फ्रेंड्स जो है बीबी पाउडर होता है ना वो ले सकते हैं, कोई भी आपका फेवरेट बीबी पाउडर ले लेना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है। इससे फ्रेंड्स आपका जो फेस है वो ऑल टाइम सेट रहेगा और आपको जो स्किन होगी ना वो बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं होगी और ये बहुत ही अच्छे से नेचुरल फिनिश देगा। हमारा हैक नंबर 4 है कि हम अपने लिप्स पर नॉर्मल लिप बाम अप्लाई करना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छा हैक है। आपको लेना है कोई भी लाइट क्रीम एंड फ्रेंड्स, उस लाइट क्रीम के अंदर आपको कोई भी आपकी फेवरेट लिपस्टिक ऐड करनी है, या तो रेड या फिर पिंक, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ी सी मैट लिपस्टिक लेनी है एंड आपको उस क्रीम के अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद में उन दोनों को आपको अच्छी तरीके से मर्ज कर लेना है, बहुत ही अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। इससे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आपका टिंटेड वाला जो लिप बाम है ना वो बन के रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरली लगता है। इसे मैं थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्सअप करूँगी, जब ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा ना उसके बाद में फ्रेंड्स मैं इसे अपने लिप्स पर अप्लाई करूँगी एंड फ्रेंड्स, ये जो टिंटेड लिप बाम है ना ये आपके लिप्स पर बहुत ही नेचुरली लगेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हल्का हल्का लगाना है एंड देख सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरल लिप्स लग रहा है, कोई भी बोल नहीं सकता कि आपने जो है लिप बाम लगाया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके का टिंटेड लिप बाम बना सकते हैं घर पर ही। हमारा हैक नंबर 5 है हमारी आईज़ के लिए। फ्रेंड्स, स्कूल लाइफ में हमें मेकअप करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता एंड जब हम काजल लगाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मेरे पास एक हैक है। आपको क्या करना है, कोई भी आपको वाटरप्रूफ मस्कारा लेना है और बस आपको अपने ऊपर वाली लैशेस पे अप्लाई करना है, हल्का हल्का सा, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपकी टीचर को पता चल जाएगा कि आप लोग मेकअप करके आए हो। तो आपको हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेना है इस तरीके से जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड यू आर डन। आप बिल्कुल ही नेचुरली आपकी आई लैशेस लगेगी, बिल्कुल आपको काजल लगाने की जरूरत नहीं, आपकी आईज जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी एंड नेचुरल लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो आईज है वो कितनी ज़्यादा नेचुरल लग रही है, लग ही नहीं रहा है ना कि हमने कोई मस्करा लगाया। तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। सो हमारा हैक नंबर 6 है हमारी हेयर केयर। फ्रेंड्स, जब हम मॉर्निंग में चोटी बनाने के लिए अपने हेयर्स को कॉम करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हमारे हेयर्स रफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स जो अच्छे से सुलझ नहीं पाते एंड हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा हैक है। आप
आपको लेना है हेयर सीरम, कोई भी आप हेयर सीरम ले सकते हैं और उसको फ्रेंड्स आपको अपने हेयर्स में अप्लाई करना है। जस्ट आपको अपने पाम पे लेना है और अच्छे से मर्ज करना है और अपने हेयर्स की लेंथ पर लगाना है जहाँ पर भी आपको रफनेस की प्रॉब्लम हो। फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप ज़रूर से याद रखें कि आपको इसे अपने हेयर्स के टिप पर ही लगाना है, यानी कि अपने जो बालों के टिप्स होते हैं ना लास्ट में वहाँ पर ही अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रफनेस की प्रॉब्लम होती है। दोनों साइड आप अच्छी तरीके से अपने हेयर्स में इसे अप्लाई कर लेना है एंड फ्रेंड्स इसे लगाने के बाद में आपके जो हेयर्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाएंगे और सैलून फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आप कोई भी ब्रेड हो या कोई भी आपके बाल है ना बहुत ही ईजी से सुलझ जाएंगे। तो ये जादू मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कॉम कर रही हूँ एंड मेरे जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल भी रफ नहीं हो रहे हैं और बहुत ही ईजी से जो कॉम है वो निकल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी से मैं कॉम कर पा रही हूँ। एंड फ्रेंड्स ये वाली ट्रिक अगर आप स्कूल जाते हैं ना तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं एंड आपके बाल अगर रफ है ना तो भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे जो हेयर्स हैं वो कितने अच्छे मैनेजेबल बन गए हैं, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। हमारा हैक नंबर 7 है हमारी हेयर स्टाइलिंग। फ्रेंड्स स्कूल लाइफ में हम लोग जब भी होते हैं तो हमारी टीचर हमें दो चोटी बनाने के लिए बोलती है और हम इस तरीके की सिंपल जो छोटी होती है ना वो बनाकर चले जाते हैं, जिससे कि हमारा लुक बिल्कुल ही चंपू टाइप हो जाता है। आपका जो लुक है ना और आपकी स्टाइल है उसकी तो बैंड बच जाती है। तो फ्रेंड्स इससे बचने के लिए मेरे पास एक हैक है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का जो कर्ली वाला हेयर बैंड होता है ना वो ले लेना है एंड इससे आपको अपने हेयर्स में सबसे पहले लगा लेना है। आपको जस्ट आपको हेयर्स में इस तरीके से लगाना है और पीछे की तरीके से पुल करना है एंड हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लेना है। देन आपको अपनी ब्रेड बना लेनी है। जैसे ही आप अपनी ब्रेड बनाओगे ना आपकी हेयर स्टाइल का लुक चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि न्यू तरीके की हेयर स्टाइल आपको मिलने वाली है। आप तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी स्कूल लाइफ में है ना तो ये वाला हैक ज़रूर से ट्राई करें, ये आपके लिए स्कूल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। हमारा हैक नंबर 8 है पीरियड हैक। तो फ्रेंड्स स्कूल लाइफ में हमें पीरियड की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि कभी हम स्कूल में रहें और हमें पीरियड आ जाए, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पैड ज़रूर से कैरी करना है अपने बैग में एंड फ्रेंड जब भी आपको पीरियड आने की प्रॉब्लम हो जाए तो आपको जस्ट इसे यूज़ कर लेना है। इससे आपको कोई भी डर नहीं रहेगा कि स्कूल लाइफ में अगर पीरियड्स आ जाए तो क्या होगा क्या नहीं, एंड ये बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। हमारा हैक नंबर 9 है हमारी चोटी की सेफ्टी। फ्रेंड जब भी हम पीटी करते हैं या गेम्स में कोई भी गेम प्ले करते हैं तो हमारे बाल इस तरीके से निकल आते हैं चोटी के अंदर से, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है इस तरीके का एक रबर बैंड। दोनों चोटियों को आपस में इस तरीके से मिला लेना है एंड आपको रबर बैंड लेके अपने दोनों चोटी के एंड्स पर अच्छे से इसे टाई अप कर देना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको टाई अप कर लेना है दोनों चोटियों के एंड्स पर। इस रबर को मैं अच्छी तरीके से बांध रही हूँ, इस तरीके से बांधना है एंड उसके बाद में आपकी जो चोटी है बहुत अच्छे से टाइप हो जाएगी। इसके बाद आप कितना भी खेलोगे कूदोगे आपकी जो चोटी है वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और साथ ही आपकी जो चोटी के अंदर से छोटे छोटे से बाल निकल आते हैं ना वो भी नहीं निकलेंगे। इसके बाद में मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी कि आपको जब आप इसे रिमूव करेंगे तो आपके जो हेयर्स हैं वो कितने ज़्यादा सेफली रहेंगे, बिल्कुल ही सेफ तरीके से आपके बाल रहेंगे, थोड़े से भी बाल चोटी में से नहीं निकलेंगे एंड आपकी जो चोटी है बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल रहेगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हैक है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप इस वाले हैक को भी ट्राई ज़रूर से करें। हमारा हैक नंबर 10 है फेस क्लीनिंग। फ्रेंड्स जब हम लोग स्कूल लाइफ में होते हैं तो हम लोग गेम्स खेलते हैं, पीटी करते हैं एंड फ्रेंड्स उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, यानी पसीना आता है और हमारा जो फेस है ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, हमारे फेस का पूरा मेकअप होता है ना उसके 12 बज जाते हैं। तो फ्रेंड्स उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, जब हमारा फेस ऐसा हो जाए तो हमको लेना है एक स्प्रे बोतल, उसके अंदर फ्रेंड्स कोई भी आपका फेवरेट फेस वॉश ऐड कर लेना है थोड़ा सा एंड फ्रेंड्स उसके बाद में आपको लगा देना है उसका ढक्कन एंड अच्छे से उसे शेक कर लेना है, बहुत ही अच्छे से शेक करना है एंड शेक करने के बाद में आपको इस बोतल को अपने बैग में कैरी कर लेना है। जब भी आप स्कूल में जाओ ना तो इस बोतल को लेकर जरूर जाओ एंड जब भी आप पीटी करके आओ आपको स्वेटिंग फील हो तो आपको क्या करना है, जस्ट इसे अपने बैग से निकालना है, अपने फेस पर करना है स्प्रे, अच्छे से स्प्रे करने के बाद में थोड़ा सा वाटर लेना है और अपने फेस पर इसे आप इस तरीके से अच्छे से अप्लाई करोगे ना तो बहुत ही ईजीली से आपका जो स्वेट है वो रिमूव हो जाएगा, आपके फेस से सारी ऑयल एंड डर्ट रिमूव हो जाएगी और
आपका फेस जो है बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर लगेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वाला हैक? आई होप कि आपको मेरा ये वाला हैक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि स्कूल लाइफ में तो स्वेटिंग होती ही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑन, जिससे कि मेरी लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।